और ये देखें, एक मैंने 2 साल पहले एक छोटा कट एक जार में लगाया, वो वाटर का जार आता है ना उसमें, और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कहाँ तक जा रहा है। ये देखिए काफ़ी बड़ा हुआ है, ये देखिए, और काफ़ी घना हुआ है। और हम इसका एक कट लेंगे और आप लोगों को दिखाना है इसे कैसे बैठाया जाए, ठीक है ना। ये देखिए एक मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, ठीक है, और एक कट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये और ये दो कट ले लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद हम इसकी सारी पत्तियां तोड़ देंगे, पत्तियों को निकाल दें, और ये देखें सारी पत्तियों को मैंने कट कर दिए, ठीक है, और ये ऐसा हुआ। अब इसे मैं छोटे छोटे कट में लगाऊंगा, और चाहूँ तो पूरा भी लगा सकता हूँ, क्या कहते हैं आप, पूरा लगाऊं? ठीक है, तो एक पूरा लगाते हैं और एक छोटे कट में लगाते हैं। ये रहा एक और कट, इसे हम 2 कट में ये कर लेते हैं लाइक दैट, ठीक है। ये रहा कट, अब इसे पानी में डुबो दें और ये है हार्मोन पाउडर जिसे रूट ग्रो होता है, रूट ग्रोइंग हार्मोन पाउडर, इसको पानी से निकाल लें, निकालने के बाद ये रूट ग्रोइंग हार्मोन पाउडर में डालें इस तरह से, ये देखिए लग चुका है, ठीक है। इससे क्या है कि रूट ग्रो करेगा प्लस फंगस नहीं आएगा। अक्सर क्या होता है फंगस की वजह से पेड़ पकड़ नहीं पाते हैं, तो आप लोग का कंप्लेन होता है कि हम लोग भी लगाते हैं पकड़ता क्यों नहीं, लेकिन रूट में जब फंगस पकड़ लेते हैं या कीटाणु आ जाते हैं चूटी वगैरह कुछ भी, तो वो रूट को खा जाते हैं जिस वजह से रूट ग्रो नहीं कर पाता। और नए पौधे में अगर रूट ना ग्रो करे तो आपका पौधा सर्वाइव नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं, होल कर लें यहाँ एक छोटा सा, और ये इस तरह से बैठा दें, ठीक है, और थोड़ा इसे मिट्टी चाप के लगा दें। उसके बाद नेक्स्ट एक और होल कर लें, और नेक्स्ट कट को ये देखिए यहाँ बैठा दें, और फिर इसे भी टाइट करके लगा दें। इसके बाद आप इसे छाया में रख सकते हैं और इस तरह से कटिंग से ढक दे सकते हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं ढक नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अगर इस तरह से ढक दें, ठीक है, ये एडजस्ट हो गया, मैं इसे
लगा सकता हूँ, ठीक है। और एक है इस तरह से ढक देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप इसे रख दें, रूट ग्रो करेगा, पत्ते आएंगे, पत्ते आने के बाद ठीक मैंने दिखाया जो कि मेरा ये पेड़ है, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप लोग ग्रो कर सकते हैं। ओके बाय।